किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड में राजधानी के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को देश के तमाम राज्यों के किसानों का समर्थन मिल चुका है। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र के नासिक से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार सभी 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वे वापस नहीं जाएंगे। सभी मुद्दों को हल करने में 1 महीने से अधिक समय लगेगा, सरकार हमारे पास आएगी। वहीं सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में लगी हुई है। सरकार के मुताबिक वो MSP को बनाए रखेगी, लेकिन मौखिक आश्वासन का मतलब कुछ नहीं है। आपको बता दें कि देश में आंदोलनकारी किसान अपने कृषि उत्पादों के लिए MSP की मांग कर रहे हैं। इस मांग पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल दुनिया के लगभग हर देश में कृषि पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कृषि को सब्सिडी देने की जरूरत है और सामान्य उद्योगों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है? इसका जवाब यह है कि कृषि दूसरे उद्योगों की तरह नहीं है, यह भोजन का उत्पादन करता है जो हवा और पानी की तरह आवश्यक है। एक TV सेट, कार या फ्रिज की कमी के बिना रह सकते हैं, लेकिन कोई भी भोजन के बिना नहीं जी सकता है। आपको बता दें कि आधुनिक उद्योग के आने के बाद जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई, जिससे खाद्य उत्पादनों में भारी वृद्धि की आवश्यकता हुई। देश के अधिकांश किसानों के लिए समस्या ये है कि वे स्वयं अपने उत्पादों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं और उन्हें व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये व्यापारी खेतों की उत्पादकों को बेचने के लिए ग्रामीण खेतों से शहरों तक कृषि उत्पादों को ले जाते हैं, जो इन्हें थोक कारोबारियों को बेच देते हैं। ये थोक व्यापारी इन्हें फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं और तब आम ग्राहक इन्हें खरीदते हैं। किसान अक्सर इन व्यापारियों की दया पर रहे हैं, जो भी कीमत पेश की गई उसे स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो उनकी उपज को बेचा नहीं जा सकता है। बहरहाल ऐसे में कहा जा सकता है कि खेती को लाभहीन बना दिया गया है, इसलिए 135 से 140 करोड़ की हमारी विशाल जनसंख्या को खिलाने के लिए उत्पादन के लिए MSP बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।